अस्सलाम वालेकुम। डी ए व्हील्स की जानिब से आज 2007 मॉडल मर्सिडीज़ सी क्लास C180 का रिव्यू आपको पेश करते हैं। इस गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू होगा जिसके अंदर इसकी एक्सटीरियर, इंटीरियर, इसकी एग्जॉस्ट क्लिप और इसकी अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर की अगर इस गाड़ी की बात करें तो कंपनी से इसके अंदर एक प्रोजेक्शन हेड लैम्प और एक फुल हाउसिंग आई है और फॉग लैम्प्स भी इसकी कंपनी से आए हैं। स्पोर्टिश टाइप का इसका ग्रिल है, ट्रायंगल्स टाइप का इसका लोगो है और ये नीचे भी मैश टाइप का इसका ग्रिल लगा हुआ है। गाड़ी के बम्पर्स में सेंसर्स आए हैं, फ्रंट के दो सेंसर, एक सेंसर इस साइड पे है, दूसरा सेंसर उस साइड की बम्पर पर है और काफ़ी स्पोर्टिश सी लुक है फ्रंट की गाड़ी की, बड़ी लग्जरी और स्पोर्टिश कम्बिनेशन है गाड़ी का। इसका बैक साइड मैं आपको चेक कराता हूँ। राइट साइड से गाड़ी कुछ इस तरह की लुक पास करती है, जर्मन मेड गाड़ी है तो जर्मनी ने काफ़ी कोशिश की है इसकी कर्व्स को मॉडिफाई करने की ताकि ये गाड़ी स्पोर्टिश सी लुक दे। पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह की लुक पास करती है। AMG एडिशन है गाड़ी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि C180 मर्सिडीज़ की सी क्लास में ये 1800cc वेरिएंट है। इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीरियर की गाड़ी की अगर बात की जाए तो फुल मैट ब्लैक इंटीरियर है, डोर कार्ड्स इसकी फुल स्पोर्टी लेदर टाइप के आए हैं क्योंकि गाड़ी AMG एडिशन है। सिल्वर कलर की गार्निशिंग इसकी हुई है, क्रोम हैंडल्स हैं गाड़ी के, क्रोम अपर गार्निशिंग हुई है गाड़ी के। चारों विंडोज़ जो हैं इसके फुल पावर हैं। डोर LED लाइट्स इसके अंदर आई हैं। मर्सिडीज बेंस के इसके सिल प्लेट्स आए हैं, यहाँ पर OEM ये कंपनी से आते हैं। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी की अदर स्पेसिफिकेशंस आपको मैं बताता हूँ। ये गाड़ी का इंटीरियर है फुल, ₹1,46,338 गाड़ी टोटल ड्रिवन, जेन्युइन माइलेज है गाड़ी की। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। की फॉब गाड़ी की मैंने डाल दी है, ये इसकी की फॉब है। नेविगेशन सिस्टम इसका कंपनी से आया है क्योंकि जर्मन गाड़ियों में ज़्यादातर नेविगेशन जो होती है वो नॉर्मल करोला वगैरह की तरह चेंज नहीं होती, तो इसलिए इनका अपना ही एक इंफोटेनमेंट टाइप का सिस्टम होता है। टिप्ट्रॉनिक इसका गियर है, ब्रेक पे प्रेस करते हैं तो
काफ़ी चेंजेस हैं मर्सिडीज़ की इस वेरिएंट में जो मैंने अभी अब तक नोटिस की हैं, और काफ़ी स्मूथ सा स्टीयरिंग है इसका। बॉश का हॉर्न है इसका, जो मर्सिडीज़ की वजह से बड़ा फेमस है इसका हॉर्न। इसकी इनर दूसरी जगह पे बात करते हैं। ये एसी के इसके वेंट्स हैं, ऑटो मोड है गाड़ी के अंदर, ऑफ मोड मोनो इसका एसी। ये आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। आप अपनी अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीफोन का इसका अपना एक यहाँ पर सिस्टम है अलग से, इसके अंदर एक सिम कार्ड सी लगती है और उसके थ्रू आप कॉल्स वगैरह हो गए, फ्रंट बैक फॉरवर्ड वॉल्यूम वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी। ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसे। ये जो नीचे वाले बटन्स हैं ये बेसिकली यूज़ होते हैं यहाँ पर कोई सॉन्ग वगैरह चेंज करने के लिए, या अगर बंदा कोई वीडियो वगैरह प्ले कर रहा है गाड़ी का तो ये उसके लिए चेंज करते हैं, यूज़ होती है उसके लिए। गाड़ी की बैक एंड मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की रियर स्पेसिंग वगैरह। रियर एंड की गाड़ी की बात करते हैं, पीछे कैपेसिटी सीट्स की सेम जैसे कि फ्रंट वाला था। क्रोम के हैंडल्स हो गए, सिल्वर कलर की गार्निशिंग हो गई, अपर गार्निशिंग हो गई, लेदर यहाँ पर लोगों ने लगाया है, आर्मरेस्ट इसकी यहाँ पर हो गए, और सीट्स जैसे कि मैंने बात की थी, सॉरी विंडोज़ की फुल ऑटो है सारे फोर विंडोज़, और फ्रंट LED इसकी लगी हुई है। अंदर बैठ के गाड़ी को देखते हैं गाड़ी कैसे है, कंफर्ट लेवल इसका चेक करते हैं। काफ़ी स्पेशियस है ये, तो ये सीट मेरे ख्याल से थोड़ी सी पीछे आ गई है, वरना काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। ये इसके पिछले AC के लिए लगे हैं, पिछले रेयर AC वेंट्स हो गए गाड़ी के। ये इसके रूफ लाइट्स हो गए, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है, फैमिली यूज़ के लिए बड़ी बेहतरीन है। ईज़िली पीछे चार बंदे एकोमोडेट हो सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है, कंफर्ट लेवल गाड़ी का काफ़ी बेहतरीन है। लेदर सीट्स हैं, फ्रंट सीट्स जो इसके हैं तो वो इलेक्ट्रिक हैं और हीटेड भी हैं साथ में। इसकी फ्रंट सीट आपको मैं चेक कराता हूँ, पैसेंजर इसकी फ्रंट सीट चेक करते हैं। सेम वही डोर कार्ड्स, इसकी फ्रंट पैसेंजर सीट की कंफर्ट लेवल चेक करते हैं। फ्रंट लेग स्पेस भी गाड़ी का काफ़ी बेहतर है, और गाड़ी आगे पीछे सीट इसकी जो है आगे पीछे हो सकती है, बड़ा ज़बरदस्त सा गाड़ी का कंफर्ट लेवल है। कंसोल बॉक्स है गाड़ी का अपना, फ्रंट कंसोल जो है काफ़ी स्पेशियस कंसोल है वैसे इसका। काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपकी गाड़ी के कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, या इवन मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मैं तो कहता हूँ कि लैपटॉप भी इवन गाड़ी के कंसोल फ्रंट कंसोल में फिट हो सकता है। ये 12 वोल्ट का पावर लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से आप अपने सेलफोन वगैरह को हो गए, या अगर आपके पास कोई
कार की यूएसबी टाइप की कुछ चीज़ है, या अगर सॉन्ग वगैरह ब्लूटूथ वगैरह आपने लगाया हुआ है गाड़ी में, तो आप यहीं से इसे पावर आउटपुट दे सकते हैं। इसकी एग्जॉस्ट क्लिप आपको मैं चेक कराता हूँ। इसकी इंजन में आपको चेक कराता हूँ। लीटर का इसका इंजन है। लोकल में गाड़ी आपको 10 टू 11 का माइलेज देगी। जो लोग हाइपर माइलर्स हैं तो उनको शायद में भी एक्स्ट्रा माइलेज दे दें। और हाईवे पे क्लेम इस तरह किया जाता है कि हाईवे पे ये गाड़ी 13 टू 14, मैक्सिमम ये गाड़ी 15 तक एवरेज दे जाती है। ये इसका फुल इंजन है, वॉशर बॉटल है, तो आज की वीडियो एंड करते हैं मर्सिडीज 2007 C180 के साथ। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नई अच्छी गाड़ी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कमेंट्स में आप लोग बता दें कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी गाड़ी की बनाई जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वीडियो बना लेंगे। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।